हेलो गाइस, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फिर से आपको अपने चैनल में लेकर के आया हूँ। आपका स्वागत करता हूँ मैं। और आज एक नए यूज के साथ, नए प्रयोग के साथ, जो यूजेज होती हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं पीछे से, लगातार मैं उनके वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे और देख भी रहे हैं क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपका, उससे मैं काफ़ी ओवरवेल्म हूँ। तो ये समझिए कि उसी कड़ी में अब मैं इतना खुश हूँ कि और ज़्यादा डाल रहा हूँ। तो आज मैंने जो प्रयोग डाला है वो है हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। ये कैसे प्रयोग होता है, स्पेशल यूज है, थोड़ा गौर से सुनना, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि स्पेशल जो इसकी स्पेशलिटी है वो आप देखेंगे कि कहाँ है, कैसे है, कब यूज करते हैं हम इसको। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनका यूज बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि हम हैज, हैव, हैड का करते हैं। बोले तो क्या हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते थे, प्रेजेंट टेंस में। ऐसे यहां पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। हैज टू और हैव टू, ये कहां होता है इनका प्रयोग, प्रेजेंट टेंस में। और हैड टू का प्रयोग ये कहां होता है, पास्ट टेंस में। बहुत आसान सी बात है, जैसे हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते थे ऐसे इनका नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। हाँ, तो हैज टू का प्रयोग हम कहां करेंगे, हैज टू का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ। और हैव टू का आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ। आसान सी बात है ना। और हैड टू का, हैड टू का कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका प्रयोग होता है प्रेजेंट में, मैंने बताया, इसका होता है पास्ट में। अब क्योंकि ये ओनली है, सिंगल है, इसलिए सबके साथ यूज होगा। लेकिन इनका प्रयोग होता कब है, जब हम हिंदी वाक्य के अंत में क्या देखते हैं, पढ़ता है, क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ आता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यार क्या मजबूरी है मेरी, है। जब कोई काम मजबूरी में होता है, किसमें, मजबूरी में, है? जिसको कंपल्सन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंपल्सन। जब हमें कोई काम मजबूरी में करना होता है तब वहां हम किसका यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। बार बार बता रहा हूं मैं इस बात को, कब करते हैं हैज टू, हैव टू का यूज, कि जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो उस, और हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा ही आता लिखा हुआ कि पढ़ता है, हाँ, पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ा, इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लो हम पहले प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल देते हैं, हम किसका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू और हैव टू में से एक चीज कोई, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पड़ता है, मन तो नहीं करता, क्यों यार, होमवर्क की बड़ी समस्या, रात हुआ नहीं, मैं सो गया जल्दी से, हाँ, तो क्या है, स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी बन गई, हाँ। आई हैव टू गो, सब्जेक्ट हैज टू या हैव टू, तो क्या आया हमारा, हैव टू आया, वर्ब क्या है, जाना, टू गो, और स्कूल टू स्कूल, हाँ। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, उसे गीत गाना पड़ता है, ही हैज टू सिंग, मोहन को रोजाना, मोहन को रोजाना बाजार जाना पड़ता है, मोहन हैज टू गो टू मार्केट डेली। तो कहने का मतलब ये मजबूरी हो गई। इसके बाद में आता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में क्या है आपको पता है, एकमात्र विकल्प है आपके पास, क्या है, हैड टू। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, हैड टू और लगा देंगे, और यहां ना लिख करके सीधा, यदि मैं यहां लिख दूं कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू सबके साथ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे राम को वन जाना पड़ा,
राम को वन जाना पड़ा। तो क्या बनेगा, राम हैड टू, मजबूरी हो गई, गो टू फॉरेस्ट, राम को वन जाना पड़ा, राम को मजबूरी में जाना पड़ा, इसलिए किसका यूज हुआ, हैड टू का यूज हुआ। तो बहुत ही आसान शब्दों में, कम शब्दों में मुझे लगता है कि ये बातें बिल्कुल आपको क्लियर हुई होंगी, और यदि क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे अच्छा लगेगा, और अदर्स को भी एंकरेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करें। थैंक यू।